नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छत्रसाल चौराहे पर गांधीवादियों, इप्टा के कलाकारों और अन्य सदस्यों द्वारा जेएनयू की घटना पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा साथ में लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के केंद्र में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यहाँ पर गांधी आश्रम की सचिव दवयंती पाणी ने कहा कि एक माँ होने के नाते उन्हें ये चिंता रहती है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित जगहों पर पढ़ने के लिए जाएं, वहाँ पर इस तरह की राजनीति या इस तरह की अगर मारपीट होती है तो वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मौके पर इप्टा के जिला सचिव देवेंद्र कुशवाहा, कोषाध्यक्ष सर्वेश खरे, कृष्णकांत मिश्रा सहित डॉक्टर दिनेश मिश्रा, भगवान सिंह परमार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। मेरा नाम दमयंती है। हम इस चौराहे में इसीलिए बैठे हैं कि जो जेएनयू में हो रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं में जो हिंसा हो रही है, हम उसके विरोध में यहाँ हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम विरोध करते हैं और हमारे सब साथी यही चाहते हैं कि इस तरीके की तानाशाही बिल्कुल शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। संस्थाओं में इस तरीके के कार्य होने से बच्चे जिस उद्देश्य के लिए संस्थाओं में जाते हैं वो उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। और एज ए एक माँ होने के नाते मैं ये भी चिंता जाहिर करती हूँ कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कहाँ भेजेंगे। यदि शैक्षणिक संस्थाएं इतनी ही असुरक्षित हो जाएंगी तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये देश जो है गांधी का सत्य और अहिंसा का देश है, इसीलिए हमें यहाँ शांति चाहिए।